Variable partitioning. In variable partitioning, whenever the processes are coming into the RAM, only then we are allocating the space to the processes. Means, हम यहाँ पे RAM को फिलहाल के लिए बिल्कुल खाली रख रहे हैं. जब भी processes RAM के अंदर आएंगे, तो run time पे उनको जितनी capacity चाहिए, जितना उनको space चाहिए, उस space के according मैं उनको allocate कर दूँगा. लेकिन fixed partitioning में concept क्या था? कि जो भी हमारी RAM का total size था, हम RAM में first of all operating system there, RAM के अंदर हम पहले ही partitions कर देते थे. Before the process come, मतलब उनके आने से पहले ही हमने partition कर दी. Let's say एक partition का size 2 KB है, एक का 4 KB, एक का 8 KB, एक का 16 KB, अलग-अलग size की हमने पहले ही partitions कर दी. अब एक process आया P1, जिसका size है 1 KB. तो उसको जो भी पहला मेरे को free slot मिल गया, let's say ये slot मेरा free है, तो मैंने P1 को यहाँ पे डाल दिया. अब P1 यहाँ पे आ गया, तो बाकी P1 का size क्या है 1 KB. तो 1 KB तो उसने यूज कर लिया, लेकिन बाकी का बचा हुआ 1 KB उस पार्टीशन का वेस्ट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. और हमेशा फिक्स्ड पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगी ही आएगी, बिकॉज हमने पार्टीशंस का साइज पहले ही डिसाइड कर लिया कि इतनी पार्टीशंस बनानी है. और उसके बाद जो प्रोसेस उससे छोटे ही साइज का आएगा, तो हमेशा कुछ स्पेस लास्ट में बच जाएगा, जिस स्पेस को हम किसी और प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम पूरा का पूरा स्पेस यहाँ पे खाली रख रहे हैं. जब प्रोसेस आएगा रन टाइम पे, वो जितनी स्पेस उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आई विल एलोकेट. इट्स लाइक अ पिज्जा. जब हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी हमारे पार्टीशन होके आते हैं, मतलब ऑलरेडी उसमें पीसीज बन के आते हैं. लेट्स से दिस इज द पिज्जा. अब वहां पे क्या हो सकता है कि लेट्स से कि एक फ्रेंड है जिसको एक पीस से कुछ नहीं होने वाला, उसको कम से कम 2 से 3 पीस चाहिए. और एक फ्रेंड ऐसा भी हो सकता है जिसको एक पीस पूरा भी नहीं खाया जा रहा, तो वो हो सकता है कि आधा पीस खा ले और बाकी का आधा वेस्ट कर दे. लेकिन हम करेंगे क्या, एक एक पीस हमने अगर एलोकेट कर दिया, तो वहां पे किसी की डिमांड हो सकती है कि उसको 2 या 2 से ज्यादा पीस भी चाहिए हो सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सोल्यूशन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कि हम वेटर को पहले ही बोल सकते हैं कि यार पूरा पिज्जा ले आ, देयर इज नो नीड टू कट द पिज्जा. तो उससे कटर मंगवा के अकॉर्डिंग टू द नीड, कि अगर किसी फ्रेंड को चाहिए कि यार मेरे को तो बड़ा पीस चाहिए, तो मैं उसको पहले ही अकॉर्डिंग टू द नीड आई विल कट. और किसी को अगर स्मॉल पीस चाहिए, तो आई विल कट अकॉर्डिंग टू दैट. तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं. मेमोरी के अंदर हम पहले पार्टीशंस नहीं कर रहे, रन टाइम पे हम पार्टीशंस करेंगे. नाउ लेट्स एग्जामिन दिस. लेट्स से एक प्रोसेस आया P1. P1 size is 2 MB. P1 size is 2 MB. So what I will do? I will simply allocate 2 MB space to P1. 2 MB space to P1. So P1 ka size tha 2 MB. Aur usne memory mein kitna space liya? Exactly 2 MB. To yani isme internal fragmentation ka koi chance hi nahi hai. अगर लेट से कि एक और प्रोसेस आता है P2, P2 साइज इज 4 MB, तो ऑलरेडी वी नो कि प्रोसेस का साइज 4 MB है. प्रोसेस की कितनी डिमांड है 4 MB की, तो मैं उसको कितना एलोकेट करूंगा 4 MB, क्योंकि ये तो सारा स्पेस हमारे पास फ्री है. तो जब वो प्रोसेस डिमांड करेगा 4 MB की, अकॉर्डिंग टू द नीड आई विल फुलफिल द नीड. तो उसको मैंने कितना स्पेस एलोकेट कर दिया 4 MB. तो यानी यहां पे कोई मेरी वेस्टेज हो रही है? देयर इज नो वेस्टेज. ऐसे ही लेट्स से देयर इज वन मोर प्रोसेस P3 आया. P3 का साइज ले लेते हैं लाइक 8 MB. तो 8 MB का प्रोसेस यहां पे आ रहा है P3. सो यू कैन इजीली पुट द प्रोसेस. तो हम यहां पे कोई फिक्स्ड पार्टीशनिंग नहीं कर रहे. जब प्रोसेस आएगा रन टाइम पे ही हम उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं. तो मैं यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकता हूं कि देयर इज नो चांस फॉर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड, और इसमें क्या एडवांटेज मिल सकती है जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग में नहीं थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को रैम के अंदर लाना है.
लेकिन हम इंटरन फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हमने ऑलरेडी पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। तो अगर जितनी पार्टीशन मैंने बना दी, जितनी नंबर ऑफ पार्टीशन है, उतने नंबर ऑफ प्रोसेस उसमें ऑक्यूपाई हो सकते हैं, उतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को हम डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मेरा सारा स्पेस फ्री है। तो लेट्स से कि अगर एक और प्रोसेस आ रहा है P4, उसका साइज है 1 MB, आई विल एलोकेट। P5 आया, आई विल एलोकेट। P6 आया, आई विल एलोकेट। सो ऑल्दो देयर विल बी अ कंस्ट्रेंट ऑन द रैम साइज, बट रैम का साइज के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। रैम का साइज अगर मैं बोल रहा हूँ इनफ है, मेरे पास रैम का साइज अगर इनफ है, तो वी कैन पुट एज मैक्स एज पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द रैम। तो यानी देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। This is the second advantage. Third one is process size. Fixed partitioning में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, maximum size क्या हो सकता है एक process का जो RAM में आ सकता है? 16 KB. Because maximum partition ही कितनी है? 16 KB. लेकिन यहाँ पे तो मेरा पूरा space free है। अगर यहाँ पे एक process आ रहा है 64 MB का, let's say 64 MB का, तो अगर मैं यहाँ पे डालना चाहूँ 64 MB, I will simply allocate the memory, the space to that process. So the third point is कि there is no limitation on the process size also. Process size के ऊपर भी कोई limitation नहीं है। अगर अब एक और प्रोसेस आ रहा है P4 का साइज ले लेते हैं, लेट्स से P3 साइज वाज 8 MB, लेट्स से 4 MB का एक प्रोसेस है, तो 4 MB का प्रोसेस मैंने यहां पे डाल दिया। अब लेट्स से एक और प्रोसेस आया P5 का साइज लेट्स से 8 MB. So, according to that, whenever the processes will become, I will simply allocate the memory to them. So, these three you can say advantages in the variable partitioning. लेकिन अब यहाँ पे इसमें एक problem आ रही है. The problem is, let's say कि P2 process यहाँ से चला गया. P2 process execute हो गया या maybe blocked हो गया, तो यहाँ से वो निकल गया। अगर P2 प्रोसेस यहां से निकल गया, तो यहां पे मेरे पास 4 MB का स्पेस अवेलेबल हो गया, 4 MB का स्पेस यहां पे एक खाली हो गया। इन द टेक्निकल टर्म वी कॉल इट होल, इसको हम बोलते हैं एक होल बन गया, बिकॉज 4 MB का स्पेस जो यहां पे एलोकेट किया था एक प्रोसेस को, जब वो प्रोसेस यहां से निकल गया, तो वो 4 MB का यहां पे एक होल बना गया। तो अब लेट से कि एक और प्रोसेस आता है 4 MB का, तो आई विल एलोकेट दिस स्पेस टू दैट। बट अगर सिनेरियो ऐसा बन जाए कि ये प्रोसेस यहां से निकल गया 4 MB का, देर इज अ होल ऑफ 4 MB एंड वन मोर प्रोसेस P4, एक और प्रोसेस है P4, वो भी यहां से एग्जीक्यूट हो गया, वो भी टर्मिनेट होके यहां से चला गया, तो उसने भी यहां पे एक होल क्रिएट कर दिया, उसका भी साइज क्या है 4 MB। अब इसी टाइम पे अगर एक प्रोसेस आता है P4 ऑलरेडी था, लेट्स से P6, एक न्यू प्रोसेस आता है P6 एंड द साइज ऑफ P6 इज 8 MB, 8 MB, 8 MB का साइज है P6 का, तो मैं कहां पे उसको डालूंगा? देयर इज वन होल हुज साइज इज 4 MB, अनदर होल हुज साइज इज 4 MB. But as we already know कि in the contiguous allocation, a process cannot span between the two different locations. मतलब मैं इस P6 को ऐसे नहीं कर सकता कि आधा आधा divide करके आधा यहाँ पे डाल दूँ आधा यहाँ पे, because both partitioning, this very dynamic partitioning and fixed partitioning are under the contiguous allocation. तो जब भी वो जाएगा पूरा का पूरा contiguous एक पूरे के पूरे पार्टीशन में जाएगा। तो यानी मेरे पास 8 MB का जब प्रोसेस आएगा, although I am having available with the 8 MB, 4 MB यहाँ पे, 4 MB यहाँ पे, तो टोटल खाली स्पेस कितना है? 8 MB। लेकिन क्या मैं इस 8 MB प्रोसेस को यहाँ पे अकोमोडेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। So this P6 will wait. तो इस चीज को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यस, दिस इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? ऑल्दो वी आर अवेलेबिलिटी
although we are having available size, although we are having available space collectively, not at the same area, it is collectively we are having that memory available, but still we are not able to put the process in that memory because that is not contiguous. So hamare paas although 8 MB space available tha, lekin contiguous ki wajah se main 8 MB ko yahan pe nahi dal sakta. So is cheez ko hum bolte hain external fragmentation. So variable partitioning suffers with external fragmentation. और अब इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर रिमूव करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पे हम कॉम्पैक्शन यूज कर सकते हैं. कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन मींस कॉम्पैक्ट करना, मतलब हम खाली स्पेस को एक तरफ ले जाएं और बाकी के प्रोसेसिंग स्पेस को एक तरफ ले जाएं. मतलब हम लेट्स से कि P1, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, P1, P3, P5, P1, P3, P5 को इकट्ठा ले जाएं ऊपर और बाकी का जितना भी खाली स्पेस है वो सारा हम एम्प्टी स्पेस को नीचे ले आएं. तो इट इज लाइक अ कॉपी पेस्ट, मतलब एक प्रोसेस को हम कॉपी करके किसी और एड्रेस में पेस्ट कर रहे हैं, एक प्रोसेस को कॉपी करके किसी और जगह पे हम पेस्ट कर रहे हैं. दिस मेथड, ऑल्दो वी कैन यूज दिस मेथड, बट दिस इज अनडिजायरेबल बिकॉज पहली प्रॉब्लम इसमें क्या आ सकती है कि सबसे पहले मुझे प्रोसेसेस को रोकना पड़ेगा. मतलब अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, मतलब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस टाइम पे मुझे उसको स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि वो रनिंग टाइम में, रनिंग स्टेट में प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा. और दूसरा, एक ही प्रोसेस उसमें जहां पे वो किसी भी एड्रेस पे पड़ा है, लेट्स से 1000 से 2000 एड्रेस पे पड़ा है, तो उसको मुझे यहां से हटा के किसी और एड्रेस में कॉपी करना पड़ेगा. तो इसमें ऑलरेडी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि इट इज लाइक अ कॉपी पेस्टिंग, मतलब एक बिट को कॉपी कर रहे हैं किसी और लोकेशन में. तो यहां पे तो 8 MB है, देयर आर 8 मिलियन बाइट्स. इतनी बिट्स को हम अगर किसी दूसरी लोकेशन में कॉपी करेंगे और वहां पे उसमें जगह में पेस्ट करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो कॉम्पैक्शन इज वन ऑफ द मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड टू रिमूव द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बट ऑल्दो इट इज अनडिजायरेबल बट स्टिल वी कैन यूज दैट मेथड. सेकंड पॉइंट यहां पे क्या आता है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन. मीन्स एक प्रोसेस जो इस जगह पे था यहां से निकल गया और क्या क्रिएट कर गया, यहां पे होल, यहां पे भी क्या क्रिएट हो गया, होल. तो अब एक प्रोसेस जो नया प्रोसेस आ रहा है उसको किस जगह पे एलोकेट करना है या डी एलोकेट करना है, कहां से उसको निकालना है. तो एलोकेशन एंड डी एलोकेशन यहां पे लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, इज कॉम्प्लेक्स. व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स, बिकॉज फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हम क्या कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि नंबर ऑफ पार्टीशंस मेरी 5 है. जब मेरी नंबर ऑफ पार्टीशंस 5 है तो मैक्सिमम कितने प्रोसेस आ सकते हैं, 5. तो एक में P1 आ गया है, P2 आ गया, एक खाली पड़ी है, या एक में कोई और प्रोसेस आ गया, वी कैन इजीली मैनेज द नंबर ऑफ पार्टीशंस अगर मेरी फिक्स्ड है. बट यहां पे देयर इज नो फिक्स, बहुत सारे प्रोसेसेस आ सकते हैं. तो यहां पे नंबर ऑफ होल्स भी डायनामिकली क्रिएट हो रहे हैं एंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो आ रहे हैं वो भी डायनामिकली आ रहे हैं. मतलब हम प्रोसेसेस को एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी, कब एलोकेट कर रहे हैं, जब प्रोसेस रैम के पास पहुंच गया. मतलब वो प्रोसेस रैम के पास आके खटखटा रहा है कि यस आई नीड सम मेमोरी, तो उस टाइम पे मुझे डायनामिकली रन टाइम पे मुझे फटाफट उसको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी. और दूसरा, जब वो प्रोसेस यहां से निकल गया, और ऑल्दो यहां पे बहुत सारे प्रोसेसेस आ सकते हैं क्योंकि हमने कोई पार्टीशन तो की नहीं, तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन बी मोर. तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन बी मोर देन द नंबर ऑफ होल्स कैन बी मोर. तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है तो मुझे किस होल में कौन सा प्रोसेस आएगा या नहीं आएगा, तो उस चीज को हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए मुझे यहां पे एलोकेशन और डी एलोकेशन करनी पड़ेगी, विच इज कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द फिक्स्ड पार्टीशनिंग. So we can say that these two are disadvantages of variable partitioning and these three are advantages of the variable partitioning. Ab hum allocation aur deallocation ko kaise manage karte hain, we use the concept of bitmap and linked list.
ताकि हम कहाँ पे होल है और कहाँ पे प्रोसेस भरा हुआ है उस जगह को मैनेज करने के लिए वो यूज द कॉन्सेप्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल पार्टीशनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।